स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के जन्म शताब्दी वर्ष 2019 के उपलक्ष्य में दो दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में किया गया। राज्य मंत्री भारत सरकार अनुराग ठाकुर ने युवा महोत्सव का शुभारंभ किया। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, मंत्री स्वाति सिंह, बीजेपी विधायक अजय सिंह मौजूद रहे। आयोजन में बहुगुणा जी के जीवन आधारित लघु फिल्म दिखाने के साथ 200 पृष्ठों का एक भव्य स्मृति ग्रंथ का विमोचन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा किया गया। छात्राओं की ओर से सेल्फ डिफेंस का प्रदर्शन किया गया। मिशन फाइट बैंक सोसाइटी महिला हॉस्टल के लिए एक सैनिटरी नैपकिन मशीन और इंसिनेटर दिया गया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मुंबई से लौटकर लखनऊ मेट्रो पर पहली बार सफर किया और इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने चौधरी चरण सिंह से सचिवालय मेट्रो स्टेशन के लिए यात्रा की। इस मौके पर एलएमआरसी के प्रबंध निदेशक कुमार कैशव और मेट्रो स्टाफ भी मौजूद रहे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपनी इस यात्रा के दौरान सबसे पहले चौधरी चरण सिंह मेट्रो स्टेशन के आर्टवर्क को देखा और काफी तारीफ की। राज्यपाल आनंदीबेन ने रेल यात्रा का लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग ज्यादा से ज्यादा मेट्रो रेल को अपनी व्यवहार शैली में लाएं। उन्होंने कहा कि आज हम जिस तरह के बदलाव पर्यावरण में देख रहे हैं उसको देखते हुए हम सड़कों पर वाहनों का कम प्रयोग करते हुए मेट्रो रेल से यात्रा करें। और अंत में उन्होंने मेट्रो स्टाफ का भी धन्यवाद किया। इस दौरान राज्यपाल ने फीडबैक रजिस्टर लिखा। आपको बता दें कि हर दिन लगभग 60,000 यात्री लखनऊ मेट्रो में सफर करते हैं और अब लखनऊ मेट्रो से सफर करने वालों की संख्या 1 करोड़ पार चली गई है।